जगह जो है ना माशाल्लाह देखने लायक है, ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, और वो देखना उधर ना किनारे पे ना झील के दरिया के सॉरी किनारे पे ना वो चारपाइया लगी हुई है। अच्छा, वहाँ पे हम इंशाल्लाह बैठेंगे और नहाने की भी कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या सूरत हाल वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि अगर तो सूरत हाल बनी नहाने की तो इंशाल्लाह हम जरूर नहाएंगे। हमारे साथ कुछ मकामी लोग मौजूद हैं तो उनसे भी यहाँ की कुछ मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। कहते हैं दरिया सिंध कहते हैं इसे, यहाँ लोग आते हैं घूमने फिरने और फिश लेते हैं, फिश ज़्यादातर यहाँ की स्पेशलिटी है हमारी। अच्छा, फिश पसंद करते हैं लोग, इन्जॉयमेंट करते हैं, नीचे घोड़े हैं, मोटर बाइक है, सब कुछ है। नीचे घोड़े मोटर बाइक सभी हैं, कश्तियाँ भी हैं, कश्तियाँ भी हैं, नहा अच्छा। भी सकते हैं, मतलब नहा भी सकते हैं, लेकिन ना अच्छा भी हो सकता है, शाम को अच्छा माहौल होता है, यहाँ ठंडा मौसम बन जाता है। अच्छा, जैसे आप मरी आए हैं, मतलब खाने छाने का भी इधर कोई इंतजाम है? इंतजाम भी है, फैमिली हॉल है, सब कुछ फैमिली के लिए गार्डन ज़्यादा बनाया हुआ है, जेंट्स के लिए ज़्यादा, ये क्लॉथ बनी है, ठंडी हवा होती है यहाँ हिमाचल में, प्रोटोकॉल निज़ाम अच्छा होता है यहाँ, अच्छी फैसिलिटी देते हैं, फिश खाना अच्छा करते हैं। तो इधर फिश पकड़ने की भी मतलब परमिशन होती है? परमिशन होती है, आम पब्लिक फिश पकड़ सकती है जी, आम पब्लिक। तो ये थे मकामी नौजवान के कमेंट, तो आगे इंशाल्लाह चल के हम आपको तोंसा बिराज के बारे में भी तफसील मकम्मल तफसील देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका खाने का प्रोग्राम बने तो यहाँ पर रिवर इन रेस्टोरेंट है, उसके बाहर लॉन में बहुत ही खूबसूरत बैठने की जगह है जहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं और वहाँ पे आपको खाना सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे खाना जो है हर किस्म की चीज़ अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ मौजूद होती है। यहाँ पे आप विज़िट करें तो खाना लाजमी खाएं, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दरिया में जाने का रास्ता यहाँ पर मौजूद है और दरिया के किनारे पर हॉर्स राइडिंग और बाइक राइडिंग की सहूलत भी मौजूद है जिससे खुद को आप लुत्फानंदोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दरिया के किनारे की तरफ जा रहे हैं, यकीन करें हवा बहुत ही प्यारी और ठंडी है और ये कराची जैसे मनाजर लग रहे हैं। तो यकीन करें ये कराची से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। अगर आपने कम बजट में मतलब सैर व तफरी अपने बच्चों को करवानी है तो तोंसा बिराज पर आप लाजमी यहाँ पर आएँ और यहाँ पर कश्ती की बच्चों को सवारी करवाएं। यहाँ पर बच्चों के लिए कश्ती की सवारी भी मौजूद है, बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़े भी कश्ती में सवार होकर आप खुद को लुत्फानंदोज़ कर सकते हैं। दरिया है मेरे, आप देखिए कि ये पानी की जो लहरें आ रही हैं, यकीन माने इन लहरों की आवाज़ अगर ये मेरा माइक जो है आपको कवर करके सुनाए तो यकीन माने बहुत ही सुकून मिल रहा है इससे। तो दोस्तों ये हम दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ आ चुके हैं जहाँ पर कश्तियाँ भी हैं और हम सब दोस्त मिलकर यहाँ पर कश्ती की सवारी भी करेंगे और बाकी हम आपको यहाँ पर तोंसा बिराज के बारे में तफसीलन मालूमात देने की भी कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो और मालूमात आपको पसंद आएगी। अभी हम कश्ती में बैठ चुके हैं लेकिन डर भी लग रहा है लेकिन डर भी लग रहा है, खैर कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। ये देखिए आप मेरे पीछे सीन है, जो नज़ारे लें आप। तोंसा बिराज दरियाए सिंध पर तहसील कोट अद्दू से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। इस बिराज के ज़रिए आबिपाशी और सैलाब से बचाव के लिए दरियाए सिंध में पानी के बहाव को कंट्रोल किया गया है। तोंसा बिराज पाकिस्तान का 15वां और दरियाए सिंध का 4था बिराज है। इसकी तामीर का आगाज़ 1951 को किया गया और 1958 को इस बेहतरीन मंसूबे की तकमील मकम्मल हुई, जबकि
इसकी तामीर पर 12.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। तोनसा बिराज से 10 लाख पानी के खराज की गंजाइश है। तोनसा बिराज से 3 बड़ी नहरें मुजफ्फरगढ़ के नाल, डेरा गाजी खान के नाल और टीपी लिंक के नाल निकाली गई, जिनसे पानी का अखराज अलल तरतीब 8,300, 8,900, 12,000 क्यूसक है, जिनसे हर साल रबी व खरीफ के लिए तकरीबन 60 लाख एकड़ फुट पानी मुहैया किया जाता है। तोनसा बिराज से जनूबी पंजाब के जिन पसमानदा इलाकों को सराब किया गया, इनमें ज़िला मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान और राजनपुर शामिल हैं। टीपी लिंक के नाल की तामीर से रहीम यार खान और बहावलपुर अजला के बंजर इलाके सराब किए जाते हैं। तोनसा बिराज का इफ्तिताह साबका सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान ने किया था। इलाके की मशहूर पैदावार गंदम, गन्ना और कपास है। तोनसा बिराज की तामीर से मुजफ्फरगढ़, लैया, राजनपुर और डेरा गाजी खान के दरमियान हाईवे और रेलवे लाइन का भी रابطہ मुमकिन हुआ, जबकि तोनसा बिराज की तामीर से बलूचिस्तान और पंजाब तक गैस पाइप लाइन बिछाना भी मुमकिन हुई। इलाका में 6 शुगर मिल्स और लातादाद काटन फैक्ट्रियाँ और लहलहाती फसलें तोनसा बिराज की अहमियत का मुंह बोलता सबूत हैं। तोनसा बिराज की तामीर से ना सिर्फ बागात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ, बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी नमाया कमी हुई। तोनसा बिराज पाकिस्तानी इंजीनियर्स की अनथक काविशों और काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। तोनसा बिराज के मगरबी किनारे पर 2 बेहतरीन रेस्टोरेंट तमीर हुए हैं, जो सियाहों को तफरी का मौका फराहम करते हैं और हेड की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। तोनसा बिराज में तकरीबन 17 एकड़ रकबे पर पानी का ज़खीरा है। इसमें मुख्तलिफ इकसाम की आबी हयात मौजूद हैं, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। मौसम सरमा में यहाँ परिंदों की बहुत सी अकसाम बसेरा करती हैं। हेड के शमाल में हज़ारों एकड़ पर मुहित जजीरा नुमा घना और सरसब्ज लाशारी वाला जंगल वाक़िया है। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा कि मकामी गवर्नमेंट की थोड़ी सी मेहनत से यहाँ इंटरनेशनल मियार का पार्क बनाया जा सकता है। हेड ड्राफ्टमैन सैयद तफैल हुसैन शाह को तोनसा बिराज के हवाला से उनकी खिदमात पर उस वक़्त के सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने 3 मार्च 1959 को चांदी के तगमे से नवाजा था। तो दोस्तों, हमारा साथ आपके साथ यहीं तक था। अब हम किनारे के करीब पहुंच चुके हैं और कश्ती से नीचे उतरेंगे, तो आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा हमारे साथ। इस वीडियो को बनाने और दिखाने का मकसद यही था कि जो दोस्त अभी तक यहाँ पर नहीं आए तो आप यहाँ का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि पंजाब के इलाके में आपको कराची समंदर जैसा माहौल, शानदार मौसम और इन्वायरमेंट कहीं नहीं मिलेगा, और ये सैर व तफरी के लिए बेहतरीन पॉइंट है। आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ यहाँ का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि ये तोनसा बिराज बूरेवाला से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 220 किलोमीटर के फासले पर वाकया है। मैं इस उम्मीद से वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी कावज़ पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मौसल मुगल को इजाज़त दें। अल्लाह आपका निगहबान। ना भाई, मौसल भाई का काम वेख लो, भुखे मौसल भाई है जाती है, थोड़ी मेहरबानी है। आप लोग मौसल मुगल की आईडी पे एंजॉय कर रहे हैं आज, तो आज मौसल भाई आपको देख लो एंजॉय करा रहे हैं। आज तक आपको यहाँ से खबरें ही मिली हैं, खबरों के अलावा कुछ नहीं मिला आपको, लेकिन आज आपको दरियाए का पानी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं भाई। मौसम देख लो।